अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आई हूँ गारे हिरा पे, तो इसकी मैं गारे हिरा की ज़्यारत करवाऊँगी आप लोगों को भी। तो सबसे पहले हम आए हैं, गाड़ी खड़ी की है पार्किंग में, और ये जो जगह बनाई हुई है इन्होंने रेस्ट करने के लिए, यानी घूमने के लिए, खाने पीने की चीज़ें वगैरह, होटल वगैरह बनाए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ये इस जगह का भी विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जगह हैं, और दिल खुश होता है यहाँ आके। तो अभी हम यहाँ पर पानी लेंगे यहाँ से, तो पानी आप ज़रूर साथ लेके जाएं, यहाँ से ही ले जाएं, लेकिन वैसे ऊपर से भी मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ से ले लें पानी तो सही है। ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने, ये इधर से ठंडी ठंडी हवाएं, ये धुआं जो है ना, ये पानी ठंडा इधर से छोड़ते हैं, गर्मी का मौसम है। तो ये देखें फुव्वारे लगाए हैं, कितना अच्छा सीन लग रहा है। होटल से मैंने कॉफ़ी ली है, और यहाँ बैठ के हम कॉफ़ी पीते हैं, और फिर हम पानी लेके तो चलते हैं। अब ये मैंने सफ़र स्टार्ट कर दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, हम पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। लेकिन ये सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छी ये बना दी है जगह, आसानी पैदा कर दी है। तो ये देखें अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, और पहले ये इधर से चढ़ते हैं। अब ये देखें आगे भी इन्होंने एक छोटा सा होटल बनाया है, अगर आपने वहाँ से पानी वगैरह नहीं लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखें वो बुलंदी पे हमने जाना है, तो ये देखें कितना दुश्वार रास्ता है, लेकिन ये अभी वो गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अभी इन्होंने चलाई नहीं, अभी हम पैदल ही जाएंगे इस जगह पर। तो चलें चलते हैं पहाड़ी पर, शुरू करते हैं चढ़ना। ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें हमने क्लॉक टावर को जूम किया था, ये अभी पहाड़ी को मैंने जूम किया, गारे हिरा को। अभी हमने बहुत सफ़र करना है, अभी तो थोड़ा सफ़र ही हुआ है। और ये देखें मक्का के इमारतें नज़र आ रही हैं, मक्का यानी कि नज़र आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ से पहाड़। ये देखें ये इतना सफ़र हम तय कर रहे हैं, अभी हमने और मज़ीद ज़्यादा करना है, थोड़ा ही अभी किया है। और ये देखें ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये देखें पहाड़ों का कितना खूबसूरत मंज़र है, ये मक्का पूरा मक्का नज़र आ रहा है ये ऊपर से। तो चलें अभी फिर स्टार्ट करते हैं हम, ये देखें नीचे से भी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग ज़्यारत के लिए आ रहे हैं, ये देखें। अब पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए हैं, और ये मैं आपको बताती चलूं 3 घंटे लगे हैं पहाड़ की चोटी पे आने के लिए। ये वो पहाड़ है जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इस गार में नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें इस गार में गुजारी हैं।
इस रास्ते से हमने गुजरना है। ये छोटा सा रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एक ही बंदा एक टाइम में गुज़र सकता है। तो इससे गुज़र के हमने आगे जाना है, ग़ार जो है ना इससे आगे है। तो ये देखें हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ये देखें कितना रश है इस गार के पास। तो यहाँ पे भी हमें पूरा एक घंटा लगा है अंदर जाने के लिए, गार में सजदा करने के लिए। हमने सजदा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत कर ली है। आप भी जब उम्रा के लिए आएँ तो इस बाबरकत पहाड़ गारे हिरा की ज़ियारत ज़रूर करें। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कितना लगता है उतरने में। तो एक घंटा लगा हमें वापस आने में। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।